मानव जीवन के लिए पेड़ बहुत ही जरूरी होते हैं। ये हमारे पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्रोत होते हैं। मौसम को नियंत्रित करने में भी इनका अहम रोल होता है। पेड़ हमें फल देते हैं, छाया देते हैं। फल, फूल, सब्जियों, औषधियों के अलावा भी ये हमारे बहुत ही काम आते हैं। घर में लगे दरवाजों से लेकर बेड, कुर्सी, टेबल समेत अन्य फर्नीचर ही देख लें, ये भी तो पेड़ों से प्राप्त हुई लकड़ियों के ही बने होते हैं। जितनी मजबूत लकड़ी होगी उतना ही मजबूत होगा आपका फर्नीचर। तो क्या आप जानते हैं कि किस पेड़ की लकड़ी सबसे मजबूत होती है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इसके बारे में ही बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24/7 और आपके साथ मैं हूँ सलोनी शिवा। सबसे मजबूत लकड़ी के बारे में कई तरह की रिपोर्ट्स हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शीशम की लकड़ी सबसे मजबूत होती है, खासकर फर्नीचर के लिए। गांव में अभी भी आप देखेंगे कि पुराने जमाने में लोगों ने बहुत सारे शीशम के पेड़ लगा रखे हैं। शीशम के पेड़ की लकड़ी अपनी मजबूती के कारण बहुत महंगी भी होती है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स बताती है कि लकड़ी के मामले में देवदार के पेड़ बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन ये पेड़ खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। 3500 से 12000 फीट की ऊंचाई पर ये पेड़ पाए जाते हैं। देवदार के पेड़ की लकड़ी बहुत ही मजबूत और सख्त होती है, यही कारण है कि फर्नीचर तैयार करने में इनका उपयोग होता है। देवदार के पेड़ को वैज्ञानिक भाषा में सिट्रस देवदार कहा जाता है। देवदार के पेड़ को हिमाचल प्रदेश में राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। किसी भी तरह की मिट्टी में आसानी से उग जाने के कारण ये लोकप्रिय है। ये पेड़ 45 मीटर या उससे कुछ अधिक तक लंबे हो सकते हैं। जब फर्नीचर बनाने की बात आती है तो मजबूती के लिए देवदार का नाम आता है। पहाड़ी क्षेत्रों में ये पेड़ अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और भौतिक महत्व रखते हैं। देवदार के अलावा महोगनी की लकड़ी को भी मजबूत माना जाता है। लाल और भूरे रंग की यह लकड़ी लंबे समय तक उपयोग में लाई जाने वाली लकड़ी होती है। खास बात यह है, इस पर पानी से कोई नुकसान नहीं होता है, जबकि इसके पेड़ 50 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान को सहन करने की क्षमता रखते हैं। काफी कम पानी में भी यह पेड़ लगातार बढ़ता जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं।